हसन अकबर साहब के हुर की हुर की तरा जमीर को बेदार कीजिए। खुदा सलामत रखे। हुर की तरह जमीर को बेदार कीजिए। असल नसीराबादी आप हजरत के सामने हुर की तरा जमीर को बेदार कीजिए। बैत के हर सवाल पा इनका हर सवाल पा इनकार कीजिए। पर दो मिसरे मौलाई मजमा जहां जहां हजरात हैं, हुर की तरह जमीर को बेदार बैत के हर सवाल पाइन कार कीजिए। दो मिसरे इत्तेहाद कर लो क्यों कर ले, जब 1400 साल से आज तक ना हुआ तो आप कैसे होगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है जो असद नसीराबादी सामने लाना चाह रहा है। एक शर्त है, हम कर ले इत्तेहाद मगर एक शर्त है, पहले मजार फातिमा तैयार, पहले तैयार कीजिए। सरकार सलामत रहो, कुछ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। माँ बाप का नाम रोशन करो। हुर की तरा जमीर को बेदार
इल्कार कीजिए और हम कर ले इत्तेहाद, मगर शर्त है पहले मज़ारे फातिमा तैयार कीजिए, पहले तैयार कीजिए। एक नारे सलवार भेज दीजिए खास तौर से। कुछ दो कतार की फरमाइश की गई है, मैं पेश कर रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं पिछले साल भी मैंने उसको नहीं पढ़ा था। मैं चार मिसरे भैया देखना, खुदा ये जवान सलामत रहे, हमारे बुजुर्ग सलामत रहे, महफिल करने वाले कराने वाले सलामत रहे, बैठने वाले हाथ उठाने वाले सलामत रहे। सुनिए साहब कि फर्जंदे बूतराब के सदके फर्जंदे बूतरा, जब आप यहाँ बैठे रहते हैं तो दाद बड़ी अच्छी देते हैं। पर हाँ, सब गौर, असद नाम है मेरा, हाँ असद नाम है, सब गौर करता हूँ मैं। फर्जंदे बूतराब के सदके में आज फिर किस्मत तो मेरी देखिए, शहरे अज़ा में हूँ। ये शहरे अज़ा है, रन्नों को भी शहरे अज़ा कहा गया है। किस्मत तो मेरी देखिए, शहरे अज़ा में हूँ। चौथा मिसरा खास तौर से जहां जहां हज़रात हैं, रिजवान तुझको कैसे मैं समझाऊं, बार बार जल्लतुना आ सकूंगा अभी कर। आ सकूंगा अभी करबला में हूँ। चार मिसरे और पेश करता हूँ। करबला में 2011 में एक मिसरा हुआ था, इंसानियत के जहन पे छाई है करबला, इंसानियत के जहन पे छाई है करबला। 2011 में ये मिसरा करबला में हुआ था। मुझे भी हरम शरीफ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में पढ़ने का मौका मिला था। पूरा कलाम है इसमें, कई शेर हैं, लेकिन चार मिसरे सिर्फ पेश कर। एक बाज़े बुलंद नारे सलवार, जो हालात पड़ोसी मुल्क में इस वक्त पैदा हो चुके हैं, जो जुल्म हो रहा है शियों के ऊपर, उससे भी मुतासिर होके मेरे चार मिसरे। सरकार देखिए, आरिफ मियां, बहुत अच्छी तज़मीन आपने लगाई भाई, बहुत अच्छी तज़मीन थी आपकी। चार मिसरे पेश करता हूं कि ये किसने कह दिया
पराई है करबला। रन वालों सलामत रहो। ये मिसर सानी इसका, ये किसने कह दिया कि पराई है करबला। खुदा सलामत रखे इन जवानियों को। सुनिए साहब, हुरले हुरले तो एक रात में पाई है करबला। मिसरा मैंने लगाया है सरकार, ये दो असदुल्ला बैठे हुए शायर माशाल्लाह से अर्शीवास्ती साहब की निजामत चल रही है। सुनिए साहब, हुर ने तो एक रात में पाई है करबला, और कब तक धमाके कर सलामती के लिए एक नारे सलवात भेज दीजिए। कब तक धमाके कर इंसानियत के भैया जहन पे छाई है करबला। मैंने पिछले साल चार मिसरे पढ़े थे, अब फरमाइश हुई है तो हो सकता है उसकी भी हुई हो। मैं पेश किए देता हूँ पिछले साल की चार मिसरे भैया। कि जो जिक्र आत्मा से बहुत दूर दूर है, अर्शीवासी साहब जो जिक्र फातिमा से बहुत दूर दूर है, रिश्ता रिश्ता फिदक के चोरों से उसका जरूर। उसका जरूर है नजीर भाई, खास तौर से देखिएगा। रिश्ता फिदक के चोरों से उसका जरूर है,
ताकत मिल जाएगी अगर आप यहाँ आ जाएंगे। आप नहीं, आप आइए, मुझे ताकत मिल जाएगी। अभी तक हमने किसी के लिए नहीं कहा, आप इधर आइए। रिश्ता फिदक के चोरों से उसका जरूर है, और मशहूर मशहूर है जो दूर तलक इस जहान में रल्लों की सरजमीन पे वो जश्न रनों के ऊपर शेर हुआ है तो जाहिर सी बात हक बनता है, मगर हम सोच रहे हैं कि अंदाज असल भाई का है और उसी अंदाज में भी नाम लगा दीजिएगा। वाकई मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरी छोटी सी आवाज़ पर सर से मेरा दोनों का तशरीफ लाए, आवाज़ से आवाज़ ग्रहण करिएगा। इंशाल्लाह सलीम बलरामपुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, वो आपके आखिरी शायर होंगे। हम चाहते हैं कि ये महफिल नमाज से पहले ख़त्म हो जाए और मख्ता महफिल हमारे हजरतमसलमीन अली जना मौलाना मोहम्मद रजा खान साहब अल्लाह जिनकी दुआओं में हम लोग जी रहे हैं। आइए इस्तकबाल के लिए असद भाई का उनके अंदाज में नारे खुदा सलामत रखे भैया, सलामत रहे। चार मिसरे होते उसके टाउन सरकार चार मिसरे होते इस करता हूं कि जश्न कायम जो जमाने में मनाया जाए, जश्न कायम जो जमाने में मनाया जाए, जश्न कायम जो जमाने में मनाया जाए, अर्श वालों को जमीनों पे बुलाया, अर्श वालों को जमीनों पे, सुनो भैया जवान, बुलाया जाए, और जिसने जिसने घर फातना जहरा का जलाया था कभी उसका पुतला सरे बाजार जला, उसका पुतला सरे बाजार जलाया जाए, और चार मिसरे मैं काफी देर से देख रहा हूं अपने बुजुर्ग को कि सभी को दाद दे रहे हैं। चार मिसरे हुजूर आपके लिए खास तौर सभी को आपने दाद दिया है, खुदा आपको सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को। देखिएगा चार मिसरे कि जो दुश्मन है दर पा तबर्रा ना
तौर से भाई कि जो दुश्मन है दरपा तबर्रा न करेगा अरमान मोहम्मद का वो पूरा ना करे दो मिसरे खास तौर से कि जो जो करता रहेगा सदा शब्बीर का माता अल्लाह कभी भी उसे बूढ़ा ना नहीं कर सकता नहीं कर खराब नहीं है भाई बहुत अच्छा अच्छा है अल्लाह कभी भी उसे बूढ़ा न करेगा चार मिसरे और पेश करता हूँ शायद किसी काबिल हो देखिएगा भैया ए आजादारों जवान आजादारों ये आपके लिए आजादारों आपके लिए सुनिए कि शब्बीर शब्बीर हमारे जो मददगार न होते शब्बीर हमारे जो मददगार न होते जीने के हमारे कोई आसार जीने के आसार न होते पूरी रात आप बेदार रहे हैं आप बेदार रहे हैं सुने कि बेदार नहीं होता असद सारा जमाना दुनिया में जो मौला के आजादार होते दुनिया में जो मौला के आजादार न होते एक नारे सलवार भेज दीजिए कौन सा अच्छा अच्छा जंजीर वाला मैं पेश किए दे रहा हूँ फरमाइश कोई भी लाएगा नहीं जाने मैं पेश किया इतना मजबूत सिर्फ आपके लिए बैठा है मोहब्बत है इनकी मोहब्बत है हसन अकबर साहब ने और अहले रन्नों ने तो ये अच्छी महफिल सजाई है हमेशा सजाते हैं बड़ी दूर दूर से शायरों को बुलाते हैं खुदा सलामत रखे सुनिए साहब एक बात जो बुलंद नारे सलवार दी कि जो जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है दिलेर की नहीं जब उसकी जंजीर उठती है तो उसे ये खबर नहीं कि जंजीर यहां घुस जाएगी उसको पता नहीं जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है या यूं कहूं कि अपने इलाके का शेर है
कहूं, शेरों के इलाके बटे होते हैं, या यूं कहूं के, और हमारा हर आजादार खुदा की कसम शेर है, शेर है, आजादार शेर है। या यूं कहूं के, राशिद मियां, अपने इलाके का शेर है, और इन जलजलों से कह दो के खामोश अब रहे, वरना अब तुरंत कहने की देर है। देखिए असद भाई, मैं किसी शायर के लिए दोबारा नहीं आया हूँ, वाकई आप शेर हैं, इसलिए एक शेर रमनों के शेरों की तरफ से इस्तकबाल कर रहा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे, आप हमारी शान हैं, आप हमारी शान हैं। चार मिसरे का हुक्म हुआ है मुझे कि हुर की तरह ज़मीर को भैया बेदार कीजिए, बैत के हर सवाल पर इनकार कीजिए, और हम कर ले इत्तेहाद, मगर शर्त है पहले मजार फातिमा तैयार कीजिए, पहले मजार फातिमा तैयार कीजिए, एक नारे सलवा भेज दीजिए। तरह मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूं, नारे सलवा भैया, मतलब पेश खिदमत है, सुने भैया, अख्तर साहब चले गए, बहुत अच्छी शायरी किया उन्होंने, और खास तौर से जो आज की तरह थी उस पर बहुत अच्छे अच्छे शेर उन्होंने सुनाए आप लोगों ने। मतलब पेश है कि जिसको भी मुस्तफा, एक नारे सलवार भेज दीजिए, नारे हैदरी, मतलब पेश है कि नाफ़ताब में है और ना महताब में है,
नाफ़ताब में है और ना महताब में है, जो बात चेहरा इब्ने अबू तुराब में है। ए भाई, जो बात चेहरा इब्ने अबू तुराब में है। शेर पेश कर रहा हूं कि फरिश्तों मुझसे सवालात पूछते जाओ। भैया देखिएगा, फरिश्तों मुझसे सवालात पूछते जाओ, का नाम ही काफी मेरे जवाब, अली का नाम ही काफी जवाब में है, अली का नाम ही काफी मेरे जवाब में है। हसन अकबर साहब, इस शेर पे खास तौर से डाटा हूँ, खुदा सलामत रखे जवानों को। सुनो भैया, मिसरे सानी सुनना इसका। कोशिश की है मैंने शायद किसी काबिल कि वो देखो भाग रही फरात से फौजे, वो देखो भाग रही है फरात से फौजे, अरे जरी का पहला कदम तो अभी रखा। भैया सलामत रहिए, मैं पेश कर रहा हूं, मैं पेश कर रहा हूं। वो देखो भाग रही है फरात से फौज, जरी जरी का पहला कदम तो अभी रखा। पहला कदम तो अभी रखा, वो देखो भाग रही है फरात से फौजे, जरी का पहला कदम तो अभी रखा। पहला कदम तो अभी
रकाब में है। और शेर देखिएगा, शायद किसी कादरी रुकैया देखिएगा, सरकार देखिएगा कि उठाए उठाए कौन भला अब सवाल बैत का। देखिएगा भैया, उठाए कौन भला माने सरोवर अभी आजाद। भैया नारे हैदरी, हरे हरे दुश्मन सरोवर अभी आजाद। ये कब तक? कयामत ही अजाब चलता रहेगा। हरे दुश्मन ने हरे दुश्मन ने सरवर अभी अजाब है। ये शेर भी खास तौर से भैया सलामत रहो कि मेरे मेरे खुदा मेरी ताबीर में ज़ियारत हो। हर मोमिन के तरफ से, हर मोमिन के तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूं, सुनिए साहब। मेरे खुदा मेरी शबीर मेरे खा शबीर मेरे खा जो रोज रोज़ाए शबीर मेरे ख्वाब में है। आरिफ मियां कोशिश किया भैया, माशाल्लाह से मैं बार बार कहूँगा कि आपकी तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैंने कोशिश की है शायद किस काबिल हो कि वो लेगी जल्द ही आकर हुसैन का बदला। भैया देखिएगा भैया, शायद शायद काबिल हो, शायद लग गई हो, शायद लग गई हो। देखिएगा भैया, वो लेगी जल्द ही आकर हुसैन का बदला, अली की ते का जौहर अभी हिजा। सलामत रहो सलामत रहो भैया, सलामत रहिए सलामत रहिए सलामत रहिए सलामत रहिए सलामत रहिए। बहुत अच्छी है, बहुत सलामत, खुदा सलामत रखे। अली की ते जल्द ही आकर हुसैन का बदला, बहुत अच्छा।
मोहब्बत अच्छी लगा दिया। सलामत रहिए। नारा हैदरी 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 हैदरी। खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे आरसीवासी साहब को। बहुत अच्छी निजामत उन्होंने किया, निजामत अच्छी करते ही हैं वो। एक शेर इसमें और सुन लीजिए, एक शेर इसमें और सुन लीजिए, उसके बाद मक्ता पेश करता हूँ। कि खुदा का नाम, खुदा का नाम सभी सभी ले रहे हैं दुनिया में। एक हम ही नहीं ले रहे हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, वो भी खुदा को, वो भी मैंने देखा है कि कुरान शरीफ हिंदी का लेके अपने घरों में ले गए हैं, वो पढ़ते हैं। कि खुदा का नाम सभी ले रहे हैं दुनिया में, वो बात इब्ने अली तेरे इनकलाब में, वो इनकलाब जो हुसैन लाए, वो बात इब्ने अली तेरे इनकलाब में है। और असद असद में इसलिए करता हूँ जिक्र है दर का, असद मैं इसलिए करता हूँ जिक्र है दर का, अली का जिक्र इबादत में है सवाब में है, अली का जिक्र। आरिफ मियां की फरमाइश है, मैंने मुंबई में पढ़ा था उनकी मौजूदगी में, उनका हुक्म हो रहा है, एक मतलब दो तीन शेर। कि बस बस इसलिए है रोशनी सारे जहान में, मतलब पेश बस इसलिए है रोशनी सारे जहान में, लिखा लिखा हुआ है नाम अली आसमान सरकार सरकार, लिखा हुआ नाम अली। आपने देखा होगा कि चांद में लगता है कि जैसे अली लिखा हुआ हो,
आपने गौर किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लिखा हुआ है नाम अली आसमान में। शेर खास तौर से, खास तौर से बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। के हंगामे, सुनो भैया, हंगामे असुर बोले ये जिब्रील से हुसैन, मुझको खलल पसंद नहीं ते हाँ। मुझको हटा लो, पर नहीं पसंद है मुझे सरकार, परों का साया कर लिया था हज़रत जिब्रील ने। मुझको मुझको खलल पसंद नहीं इम्तिहान में। मुझको खलल पसंद हंगामे असुर बोले ये जिब्रील से हुसैन, मुझको खलल पसंद नहीं ते हाल में। एक नारे सलवार भेज दीजिए, मुझको खलल पसंद नहीं इम्तिहान में। ये शेर भी खास तौर से जहां याद रात है कि बात बात आ गई जो दी की तो दुनिया के सामने। आरिफ मियां, बात आ गई जो दी की तो दुनिया के सामने। अरे बेटी अली की बोली अली की जबान। भैया भैया बेटी अली की बोली अली की जुबान में। आरिफ मियां ने जिस शेर के लिए फरमाइश की थी वो पेश कर दूं मैं, उसके बाद मक्ता हाजिर है, खासतौर से सारे शेर इसमें छोड़ रहा हूं, ये शेर सुन लीजिए उसके बाद मक्ता। के उम्मुल उम्मुल बनी भी आ गई जहरा के साथ साथ। उम्मुल बनी भी आ एक शेर और मक्ता। के सीना जमी का हसन अकबर साहब, सीना जमी का काट के रख देती जुल्फकार। सीना सुना भैया, सीना जमी का
अगर दरमियान में मक्ता पेश है और मेरा दावा है कि कोई खामोश नहीं रह सकता। मेरा दावा है, सुनिए साहब, कि असगर असगर ने जंग जीत ली हंस खेल कर असद। मिस्र सानी खास तौर से असगर ने जंग जीत ली हंस खेल कर असद। अरे उलझा उलझा हुआ है हुरमुला तीरों का मार, तीरों का मार उलझा हुआ है हुरमुला तीरों का मार में अब्बास का आलम जो सजाया कानून।